प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि धन से धन कमाया जाता है, कि अगर आपके पास पैसा है तो उससे बहुत ज्यादा गुना आप पैसा कमा सकते हो। ये सच्चाई भी है, क्योंकि जो धन है वो धन बढ़ाने के काम में बहुत इजली पैदा हो जाता है। तो ये तो एक सच्चाई है, परंतु अगर आप यही सोच सोचते रहोगे कि हाँ भाई, धन से ही धन कमाया जाता है, तो आप में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। तो आज हम ये सोचते हैं कि धन से धन नहीं कमाया जाता। हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि धन से धन नहीं कमाया जाता, आपके ध्यान से ही धन कमाया जाता है। जितना ध्यान अच्छा होगा उतना आप अच्छा धन कमा सकते हो, यदि आपके पास धन है ही नहीं। इसके लिए, इसके प्रूफ के लिए एक बहुत ही सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, एक अंधे व्यक्ति की। एक अंधा व्यक्ति जिसकी ये दो आंखें नहीं है, उस व्यक्ति के एग्जांपल लेते हैं कि जो बहुत ही सीखा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसे अंधे व्यक्ति से मुलाकात की जो कि हमारी सिटी में 30-35 किलोमीटर दूर से बस पे आता था तथा टेलीफोन ऑपरेटर की उसकी ड्यूटी थी। तो उसने मुझे बताया कि उसने सब कुछ सीखा है। जब लोगों ने उसे कहा कि 10 कदम उसके कमरे के आगे एक दरवाजा है, राइट साइड में 2 कदम के ऊपर, तो वो वही स्टेप लेके जा रहा था। फिर उसको उसके रिलेटिव्स या रिश्तेदार या दोस्तों ने कहा कि 15 कदमों के आगे एक पौड़ी है, तो वो उसी कदमों के हिसाब से चलता था। अब उसने यह भी सीखा कि हर चीज को ध्यान से सुनना चाहिए, यानी दो आंखें नहीं थी, वो ध्यान से सुनता था, ध्यान से वो चलता था तथा हर स्टेप को बकायदा गिनती से वो चलाता था। यानी हर टारगेट उसकी जिंदगी का बहुत ही अहम टारगेट था, क्योंकि एक कदम अगर उसका गलत चला जाए तो उस अंधे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। क्या ऐसा ही आपके साथ नहीं है? आप धन लगाते हो, आप पैसा लगाते हो, अगर आपने एक रॉन्ग डिसीजन लिया तो वो पैसा डूब भी सकता है। इसलिए आपका यह कहना कि धन से धन कमाया जाता है, ये गलत है। आपको उस अंधे व्यक्ति से सीखना चाहिए जिसने हर स्टेप को बहुत ध्यान से उठाया तथा वो 35 किलोमीटर दूर से यहां आता है। उससे पता है कि इतने बजे यह बस यहां से चलती है, वो समय का कितना पाबंद है, उसी समय पे वो पहुंच जाता है। उसके बाद उसको पता है कि यहां से 100 कदमों के आगे उसका ऑफिस है, तो वो 100 कदम पूरा के मतलब जो कैलकुलेट किया गया एग्जैक्ट वही उठाकर उसी दिशा में वो जाता है तथा जाते जाते वो यह गिनती भी कर रहा है, साथ में उसको एक एक चीज की आवाज तथा आगे क्या चीज आएगी उसको भी वह सोच रहा है तथा उसे पता है कि जहां बस खड़ती है वहां मेरे पीछे 5 दुकानें कौन सी हैं। तो इस तरह से उसका जो कैलकुलेशन है उसको इंटेलिजेंट बनाता है। क्या हम खुद इंटेलिजेंट नहीं बन सकते? क्या हम अपने में वो स्किल्स प्राप्त नहीं कर सकते जो एक अंधा व्यक्ति प्राप्त करता है? तो जब हम यह स्किल्स प्राप्त कर लेंगे तो यह निश्चित है कि धन अपने आप ही आएगा। उसे उसके लिए हमें और अधिक धन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो इस बात को आप समझ जाइए। ओके, धन्यवाद।